नमस्ते दोस्तों, मैं सुधीर भटनागर दोबारा एक वीडियो लेके आज उपस्थित हुआ हूँ। और आज हम बात करेंगे निटेड फैब्रिक्स की। जैसा हम सब जानते हैं कि गर्मी का समय आ चुका है और सब लोग नए नए रंग के टी शर्ट्स उन्हें हमने अपने वार्डरोब में सजा लिया है। अब अगर हम बात करें पिछले एक दो दशक में, तो हम ये पाएंगे कि आउटर वियर्स के अंदर निटिंग के फैब्रिक्स का प्रचलन काफ़ी बड़ा है, डोमेस्टिक में भी और एक्सपोर्ट में भी। और इसके अंदर जो है, जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलन बढ़ा है वो है कॉटन इंटरलॉक फैब्रिक्स। और कारण इसका क्या है? कारण अगर आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर टी शर्ट्स और कैजुअल वियर में इसका प्रयोग होता है, मगर इन कपड़ों में एक जो सबसे ज़्यादा हम जो देख पाते हैं, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो है श्रिंकेज लेवल। और ये टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट रहती है कि इसका श्रिंकेज लेवल मिनिमम रहे, मगर बाकी के जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को अगर हम देखें तो उनमें कंफर्ट, बल्किनेस, आसानी से स्ट्रेच हो जाना, ये चीज़ें ज़्यादा हैं, मगर श्रिंकेज एक ऐसी बीमारी है इस फैब्रिक के अंदर कि वो बाकी के पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उनको अलग कर देता है। और ये जो श्रिंकेज जो होता है, पर्टिकुलरली लेंथ वाइज, और ये जब लेंथ वाइज ये कपड़ा श्रिंक हो जाता है तो उसमें ये शेप इसकी बिगड़ जाती है और ज़्यादातर केसेस में इसकी फिटिंग सही नहीं आती। कंज्यूमर का इन गारमेंट्स को एक्सेप्ट करने का जो बेसिक पॉइंट है वो है डायमेंशन स्टेबिलिटी। अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और इसमें ये बताएंगे कि इसके कपड़े को इंजीनियर करने के लिए हमें एक प्री डिटरमिन्ड लेवल ऑफ श्रिंकेज चाहिए और एक बैलेंस करना पड़ता है, रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमें मेंटेन रखनी पड़ती है श्रिंकेज के बीच में और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के बीच में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।